आज लेकर आई हूँ गुजिया में ट्विस्ट। आज बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे से गुजिया, तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होली के आते ही कुछ चीजें हैं जिनसे हम बिल्कुल रेजोनेट करते हैं और गुजिया उनमें से एक है। पर आज की मेरी गुजिया है थोड़ी सी डिफरेंट, क्योंकि मैं डालने वाली हूँ उसके अंदर एक ट्विस्ट। आज बनाऊंगी गेहूं के आटे की गुजिया, जो है बहुत ही टेस्टी, एकदम अमेजिंग। तो देर किस बात की है, आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरी अमेजिंग गुजिया। क्योंकि आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे की गुजिया, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 130 ग्राम गेहूं का आटा। इसके साथ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 20 ग्राम सूजी, तो सूजी इसको बहुत ही क्रिस्प बनाएगी। तो ये अब 150 ग्राम हो गया है, 130 ग्राम आटा और 20 ग्राम सूजी। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पिसी हुई चीनी, तो जब आप गुजिया की बाइट लेंगे तो आपको वो भी फीकापन नहीं लगेगा, उसमें भी आपको हल्की सी मिठास फील होगी। और अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा घी, तो मैं इसके अंदर डालूंगी ऑलमोस्ट 3 चम्मच घी। इन सबको अब बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैं इस आटे को गूंदूंगी। तो हमें ये आटा ऑलमोस्ट ऐसे गूंदना है जैसे हम पूरी के लिए गूंदते हैं। ये आटा गूंद गया है और अब मैं इस आटे को ढक के रख दूंगी 15 से 20 मिनट तक। और जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपना मिक्सचर रेडी करेंगे। इसकी फिलिंग के लिए मैं ले रही हूँ 100 ग्राम मावा, जिसे हम खोया भी कहते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। तो मैंने अभी पैन में कुछ भी नहीं डाला है, लाइक कुछ घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिंपल इस खोए को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसे मैं ऑलमोस्ट 1 मिनट तक फुल पे करके उसके बाद सिम पे गर्म करूँगी। थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, गैस की फ्लेम को सिम पे कर देती हूँ। ये जैसे ही सॉफ्ट होगा ना, ये थोड़ा सा क्रम्बल होना शुरू हो जाएगा, तो आप इसे ऐसे प्रेस करके थोड़ा इसे क्रम्बल कर लेना। बराबर चलाना इसे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जल जाता है। आप देख सकते हो ये भूनते भूनते अपना थोड़ा घी भी छोड़ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसमें पहले घी नहीं डाला था। तो बस अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लूंगी। तो ये मावा ठंडा हो गया और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पिसी हुई चीनी, तो ये है 50 ग्राम चीनी। तो 100 ग्राम मावे पे 50 ग्राम चीनी डाल रही हूँ, आप खांड बूरा कुछ भी डाल सकते हो। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बारीक कटे हुए काजू, ये थोड़ी सी किशमिश को मैंने बारीक काट लिया था। थोड़ी सी डाल रही हूँ इसके अंदर चिरौंजी, और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सूखा नारियल। नारियल का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो इसके साथ आप इलायची भी डाल सकते हो, इलायची का पाउडर। इन सबको आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और स्पून से मिक्स करने के बाद इसको एक बारी हाथ से भी सारा मिला लूँगी। ये जो आटा मैंने गूंद के रखा था, मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। बस अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी लगाऊंगी और इसको हम बेल लेंगे। आप ध्यान रखिएगा, इसको बेलते हुए इसे ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, नहीं तो ये फट जाएगी जब हम इसे तलेंगे तो। और ख़ास करके अगर आप इसे पतला भी करना चाहें तो इसके साइड से इसको पतला करें, इसके सेंटर को ज़्यादा पतला ना करें। तो ये मैंने एक पूड़ी के साइज़ का बेल लिया है। यहाँ मेरे पास है अब ये गुजिया बनाने का सांचा, तो ये इस तरीके का होता है, प्लास्टिक में भी मिलता है, आप किसी तरीके का भी सांचा ले सकते हो। इस पर हल्का सा मैं घी लगाऊंगी, बहुत ही हल्का सा, लाइक मैंने फिंगर के टिप से टच किया है और मैं हल्का सा इस पर घी लगाऊंगी। ये जो मैंने इसका पूड़ी बेली है, इसका जो नीचे वाला साइड है वो मैं ऐसे रखूंगी। नेक्स्ट मैंने जो मिक्सचर प्रिपेयर करके रखा था वो मैं डाल दूंगी इसके अंदर, तो इसकी भी ओवर फिलिंग ना करें। मेरे स्पून का साइज़ छोटा है तो मैं इसमें ऑलमोस्ट 1.5 चम्मच ये फिलिंग डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको हाथों से फैला लूँगी ताकि एंड तक भी ये अच्छे से पहुँचे। इसके जो ये साइड है और जो ऊपर वाला साइड है, इसे मुझे अच्छे से स्टिक करना है। यूजुअली जो हम गलती कर जाते हैं वो ये है कि हम इसको स्टिक पानी से नहीं करते, जिसकी वजह से गुजिया खुल जाती है। तो
तो मैं हाथ पे हल्का सा पानी ले रही हूँ और इस पे मैं ऐसे फैला दूँगी। हल्के हाथ से मैंने यहाँ पे पानी लगा लिया है और बस अब मैं इस सांचे को बंद करूँगी और इसके एंड्स को प्रेस कर दूँगी। अगेन ध्यान रखें, मैं सेंटर से प्रेस नहीं करूँगी, नहीं तो गुजिया फट जाएगी। मैं सिर्फ इसको यहाँ साइड से प्रेस कर रही हूँ और जितना इसमें एक्सेस आटा है वो मैं सब निकाल लूँगी। ये एक्सेस आटा मैं दोबारा से गुजिया का पेड़ा बनाने में यूज़ कर लूँगी। लास्ट में एक बार इसको और प्रेस कर देती हूँ। इसे मैं बहुत हल्के हाथ से अब ओपन कर लूँगी। ये देखिए, इसे सांचे से निकाल के, बहुत ही हल्के हाथ से निकाल के मैं एक प्लेट पे निकाल लूँगी। आपको बनाते बनाते अगर इस पेड़े में क्रैक्स दिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें हमने चीनी डाली है तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। बट आप जब इसे थोड़ा सा भी घी लगा के बेलोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये मेरी गुजिया तैयार है और यहाँ मैंने घी को गर्म कर लिया है और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है और अब मैं एक एक करके गुजिया को इसके अंदर डाल दूँगी। मैं इसे ओवर क्राउड बिल्कुल नहीं करूँगी और इसको सिम पे ही पकाऊँगी। मुझे जैसे ही लगेगा कि मेरा घी ज़्यादा गर्म हो गया है मैं उसी टाइम गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी ताकि ये बहुत ही कम फ्लेम पे सिकें। थोड़ी देर के लिए मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है ताकि ये बहुत आराम से धीरे धीरे करके सिकें इसके अंदर। और ये मेरी यम्मी गुजिया बनके बिल्कुल तैयार है और इसे मैं खाने वाली हूँ टोटली गिल्ट फ्री। तो इस होली आप भी बनाइए आटे की गुजिया और इसे टोटली गिल्ट फ्री खाइए। अगर आप इसे ट्राई करो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी। और आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।